जय श्री राम। मैं देवानंद गुरु जी अथर्वेदाचार चित्रकूट से मैं आपको बताऊंगा कि व्रत एक संकल्प है जिसे हमें नियमानुसार ध्यान पूर्वक करना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि व्रत संबंधी नियमों में कोई चूक ना हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि व्रती भूलवश व्रत के नियम को तोड़ देती हैं और कुछ खा पी लेती हैं और व्रत के संकल्प को खंडित मान लेती हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में भूलवश हुई गलती को भगवान माफ कर देते हैं। इसलिए व्रत को खोलना छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसी तरह जारी रखना है चाहिए। जब आप पूजा करें उस समय पूजा संपन्न होने के बाद देवी देवताओं को भूलवश हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। माँ करुणा वरुणालय हैं और वह अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहती, इसलिए वह आपकी इस याचना को सुनेंगी, स्वीकार करेंगी और आपको क्षमा करके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए, इस करवा चौथ संकष्टी चतुर्थी का महायोग बन रहा है इस बार, इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा और गुड़ के लड्डू चढ़ाएं, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का पाठ करें। भूलवश हुई गलती की वजह से होने वाली नकारात्मक फलों से सुरक्षा होगी और आपका कल्याण होगा और इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।